अमरनाथ महादेव यात्रा एक ऐसी यात्रा जो जिंदगी भर याद रह जाए। यात्रा के दौरान दूसरे पड़ाव पिशुटोप, जहां खास यात्रियों के लिए विशाल लंगर लगाए गए हैं। यहाँ के शाही लंगर देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। श्री शिव शक्ति सेवादार दिल्ली द्वारा लगाए गए भंडारे में तकरीबन 150 से भी ज्यादा प्रसाद रखा जाता है, जहां पर 200 से ज्यादा लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। पंजाबी हो, चाइनीज हो, साउथ इंडियन हो या फिर गुजराती फूड हो, ये सब आपको इस लंगर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पिज्जा से लेकर काजू बादाम तक यहाँ यात्रियों को प्रसाद दिया जाता है। श्री शिव शक्ति सेवादार दिल्ली का भंडारा पिछले 25 सालों से यहाँ लगाया जाता है। यहाँ यात्रियों की थकान दूर करने के लिए थेरापी मशीन की व्यवस्था की गई है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं शिव शक्ति सेवादार दिल्ली के संचालक। इस वक्त हम अमरनाथ यात्रा के दूसरे पड़ाव पिशुटोप पर हैं। यहाँ श्री शिव शक्ति सेवादार दिल्ली का एक छोटा सा भंडारा चलता है, छोटा सा, ताकि कोई भी यात्री यहाँ भूखा प्यासा ना जाए। अपना जूनागढ़ से हमारे प्रभु प्रेमी आए हुए हैं, इनकी चिक्की जिसको हम घटक गुड़ वाली कहते हैं, वो खुला प्रसाद चलता है और सभी प्रकार की आइटम लगा रखी है। ये दिखाने के लिए नहीं है, नीचे से जो यात्री आता है उसका मन खराब हो, जी घबरा रहा, कुछ ना खाए तो कुछ ना कुछ खाता रहे, कुछ प्रसादी अंदर जाए, इसलिए खाली पेट कोई ना जाए। ये समस्त जो भंडारा है सभी यात्रियों के लिए है, ये है अमरनाथ के सभी यात्रियों के लिए है, कोई VIP के लिए नहीं। प्रसादी जो है सबके लिए प्रभु प्रसादी है। ये भंडारा 1994 में हम यात्री थे, फंसे थे, यहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। तब हमारे मन में प्रेरणा जागी, तब से ये बनाया प्रोग्राम, तो ये 25 साल से यहाँ पर लगा रखा है। यहाँ 120-125 भंडारे हैं सारी यात्रा में। इस पिशुटोप पर 25 साल पहले कोई यात्रा में भंडारा यहाँ पर नहीं था, ना पानी था। 94 में प्रेरणा मिली और 1995 में हमने पहला भंडारा लगाया था। हम सभी भंडारे वालों के लिए, सभी अपने दान दातों के लिए, सभी यात्रियों के लिए धन्यवाद करते हैं जो यहाँ आकर प्रसाद लेते हैं और भोले की सेवा हमें देते हैं। 4 महीने पहले हम तैयारी करते हैं और 2 महीने लगातार यहाँ भंडारा चलता है और भोले की सेवा से यहाँ चलता रहा, और हम यही प्रार्थना करते हैं भोले से चलता रहे।
जय भोले बाबा की। मैं अशोक चड्डा, श्री शिव शक्ति सेवादार दिल्ली करोल बाग भंडारे से जुड़े हुए हैं। हम लोग पिछले 25 सालों से भोले बाबा की कृपा से हम लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। बाबा की कृपा से यहाँ हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यात्री आते हैं और भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं जब बाबा के दरबार पे आते हैं, पर जब वो प्रसाद को खाते हैं उनके मन से बहुत दुआएं निकलती हैं। जो लोग हमें इस भंडारे में डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, सहयोग देते हैं किसी भी प्रकार से, हम उन सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। जय भोले बाबा जी। हमारे साथ लगभग 125 से लेकर 150 आदमी हर वक्त यहाँ मौजूद होता है, जो कि कुछ लोग खाना बनाने वाले, कुछ लोग बर्तन की सेवा करने वाले, कुछ लोग पंडाल की सेवा करने वाले, कुछ लोग यात्रियों को खाना बांटने में लगे रहते हैं। ये तो भोले बाबा ही जानते हैं, हमने कभी गिनती नहीं करी। ये भोले बाबा जानते हैं।